आपका नाम बताओ सर, आपका नाम क्या? सलमान सिंह। मानसिंह। पेशेंट क्या लगता है आपका? मम्मी आपकी माता जी, क्या नाम उनका? वसुमिता देवी। सुमिता देवी। रहने वाले कहाँ के आप? झुंझुनू गए। झुंझुनू। झुंझुनू में कहाँ? राजस्थान, झुंझुनू के पास में गांव है, 10 किलोमीटर दूर हमारा। क्या गांव का नाम? असल सर। आसल सर। हाँ ये बातें मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप लोग इनसे मिल सकते हो, इनका चेहरा इनका एड्रेस दिखा के, तो कहीं भी वीडियो आप लोगों को ऐसा ना लगे भाई आपसे कुछ छुपाने की कोशिश, सब कुछ ओपन रखते हैं इसमें। पेशेंट की उम्र 52, 52 साल उम्र है जी। जी मेरे पास आप आए थे 20 दिन पहले। जी बिल्कुल। 20 डेज की ही वीडियो बनाता हूँ मैं कि आयुर्वेद को लोग कहते हैं स्लो है, और इनकी प्रॉब्लम काफी पुरानी थी, 5 साल से प्रॉब्लम थी, और स्टार्टिंग ब्रेस्ट से हुई थी। सही। ब्रेस्ट से फिर आपके लंग्स में गया, लंग्स से फिर आपके ओवरी के अंदर गया, ओवरी से फिर वो ब्रेन में चला गया। 5 साल से आपने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया, कहाँ कहाँ लिया? पहले तो ये ब्रेस्ट में था ना, ऑपरेट करवा के मतलब एक साइड से वो ब्रेस्ट रिमूव कर दिया पूरा। ब्रेस्ट ऑपरेट कर दिया। फिर मतलब 2-3 साल बाद में फिर वो ओवरी में हो गया, तो फिर डॉक्टर बोला कि वो निकाल लेते हैं बाहर, ओवरी भी निकाल दिया। निकाल दे बाहर। फिर ठीक है। उस टाइम हमें ये नहीं पता था कि मतलब कि भाई ये जो कैंसर है या मतलब क्या है, तो डॉक्टर बोला कि नहीं कैंसर वैंसर नहीं है, वो नॉर्मल जो कीमो लगाया बोले ठीक हो जाएगी। ओवरी का जो ऑपरेशन किया मतलब उसको मतलब वो 3 साल हो गए थे। अब दोबारा मतलब उनको काफी समय से मतलब ये सांस में दिक्कत थी, एक एलर्जी टाइप रहती थी। फिर हमने डॉक्टर को दिखाया तो बोला कोई बोला आराम नहीं है, मतलब अस्थमा कुछ आराम नहीं है। फिर गए पीबी में जाके चेक करवाया, वहां जाके वो पूरी रिपोर्ट से जो सोनोग्राफी है वो सारी पेट करवाई। सीटी करवाई, हाँ पेट पे पूरा क्लियर हुआ, हाँ तो फिर उसमें बताया कि बोले आपके तो इस साइड में मतलब ये कैंसर हो गया, फिर लंग्स यहाँ में से भी। मतलब हाँ ये गलत लीफ नोड हो गया, मतलब ये बताया। फिर वो बोला कि भाई इसका तो ये इलाज मतलब किमो लगेंगे और वो रेडिएशन से मतलब उसको जलाएंगे। हम घर आ गए तो घर आके सोचा कि भाई उससे तो मतलब हालत खराब हो जाती है शरीर। फिर ओके। मैंने उसको तो कैंसिल कर दिया। आपका ब्रेन तक बता रखा, ब्रेन में भी। हाँ हाँ ब्रेन तो बता रखा, डॉक्टर ने हाँ बताया उस जांच में। मतलब पूरे शरीर में कैंसर फैल चुका है। हाँ शुरुआत में ब्रेस्ट में था तो ब्रेस्ट तो हमने ऑपरेट करवा दिया था, फिर ओवरी के अंदर आया तो वो भी ऑपरेट करा दिया, और आप तो उस चीज को निकाल ही दे रहे हो जहां पर है, हाँ तो फिर कैसे फैल रहा है, फिर है क्या? तो आपने पूछा नहीं फिर डॉक्टर से कि सर ये जब डॉक्टर इलाज चल रहा है तो फिर क्यों, हम तो ऑपरेट, आप कह रहे हो ऑपरेट कर देने के बाद नहीं होगा। डॉक्टरों का सर क्या है, वो तो बोले कि नहीं आगे से नहीं होगा, बोले अब जाते हैं तो बोलते हैं पता नहीं कैसे हो गया। अब वहां से आए तो मतलब उनको कहते हैं कि मतलब एक तो ये खाना खाते वोमिटिंग होना और जी ऐसे कभार रहना, और उनको खांसी चलती थी सूखी, और सूखी जैसे खांसी आती थी हाँ और जी मचलाता जी था, मचलाता था उनको। सांस में भी तकलीफ थी हाँ इनकी, सांस वो तकलीफ गले थी। में तार सा बसता हाँ था, तार बोलता था उनको, उल्टी आती थी। उल्टी आती थी ठीक है। उनको, तो चाह में एक खुजली सी, खुजली सी ऐसे काले चिकी काले चिकी चिकी से रहते थे उनके शरीर में, या ये भी दमंगा भी हो, ये भी बुखार, सब थे। हाँ बुखार देते थे उनको, मतलब फीवर सर्दी था, में भी पसीना आ जाता था उनको। एक चेहरे पर स्वेलिंग भी थी। हाँ क्या क्या, कितने दिन में आराम मिल गया? 20 दिन में हमारे ये हुआ कि एक तो उनको खांसी शाम को कोई 2-4 अच्छे थोड़ी सी अलगी से आ गई, तो आगे बाकी खांसी तो नहीं आती है, खांसी में बिल्कुल आराम मिल गया। बिल्कुल आराम हो गया। एक वो शरीर पे थे ना वो ये फुंसी सी वो थी हाँ जी, हाँ जी। जो वो खास चलती थी पर उसकी टेबलेट वो अब खत्म हो गई बिल्कुल। चेहरे की जो भी फुंसी फुंसी थी, खास थी, वो बिल्कुल खत्म हो गई। हाँ चेहरे की और पूरे शरीर पे थे, मतलब वो खास चलना फिर अच्छा वो अच्छा दापट सोचना मतलब हालत खराब थी, हाँ वो अब ठीक हो गया। आंस में भी उनका वो तार था ना गले में, हाँ वो भी नहीं बोलता अब, उल्टी आती थी जो उल्टी भी अब नहीं आती है। चेहरे पर स्वेलिंग, चेहरे पे अच्छे मतलब वो स्वेलिंग उतर गई, सांस उतर गया, मतलब थोड़ी सी चमक रहती है। चेहरे पर चमक भी आ गई। हाँ देखो 5 साल से पेशेंट की प्रॉब्लम, यहाँ पर 20 दिन की रिकवरी की बात चल रही है कि पेशेंट 20 दिन के अंदर ये रिकवरी, कितने दिन में फर्क लगने लगा था सर मेरी दवाई हमें से? 8-7 दिन में मतलब हमें फर्क लगना महसूस हो गया था। हाँ हमने खुद उनको पूछा कि भाई चलो बाहर से तो आप दिख रहे हो लेकिन आपके जो अंदर की प्रतिक्रिया मतलब वो तो अपने पेशेंट ही बताएगा, हाँ फीलिंग, तो उनको पूछा कि बोले आपको भाई क्या ना, बोले मुझे थोड़ा सा अच्छा महसूस लगता है बोले। खुद को एनर्जिक लेवल इनका बढ़ा और अच्छा महसूस लगता है, हाँ जबकि 5 साल से इनका ऑपरेट चल रहा था, ऑपरेशन 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 जैसे बोले डॉक्टर ने 5 साल से। ये कितने पैसे लगा दिए थे सर आपने? सर पता नहीं खूब लग गए मतलब पैसे, अप्रोक्सीमेट 5-6 लाख तो लग चुके होंगे। 5-6 लाख लगाने के बाद शख्स की ऐसी थी कि अब ये कीमो से डर गए, तो आप अपने पास आए। आज आयुर्वेद पर विश्वास कैसे करें कि आयुर्वेद क्या सच है क्या झूठ है? तो हम आप सबके सामने वीडियो बनाते हैं, कहीं भी ऐसा नहीं हो कि हम पीछे से बैठकर बात करें। तो हम रोज एक वीडियो इसलिए बना लेते हैं कि अपने रोज की एक वीडियो डाल देंगे, लोगों को ये कैंसर का डर निकल जाए, कि कैंसर के नाम से जो लोग पूरा परिवार भयभीत हो जाता है कि अब क्या होगा। पेशेंट तो परेशान होता ही है, पूरा परिवार बीमार हो जाता है, लोग परेशान है इस कैंसर के सिर्फ नाम से। आज 20 दिन के अंदर पेशेंट की जब रिकवरी सुनते हैं तो कई लोग कहते हैं जी सिर्फ वीडियो देख कर ही हमारा डर निकल गया। सर होता ना सर, आप मेरा वीडियो देखे थे या किसी पेशेंट से मिले थे? किसी पेशेंट से मतलब किसी तीसरे सुन के आए थे। किसी थर्ड पर्सन ने आपको बताया? क्या हाँ बताया? कि भाई वो यहाँ से दवाई लेके गए थे, वो तो उनको बताया कि उनको तो यहाँ गले में था कैंसर, मतलब उनकी आवाज बंद हो गई और वो खुद ही दवाई लेके आए। फिर आप वो 20 दिन में मतलब उनकी आवाज वापिस आने लग गई थी, और मतलब वो खुद जा रहे लेटरिन टॉयलेट पर खुद जो कर रहे। शख्स बिस्तर पर था, जो चल फिर नहीं पाता था, वो चल फिरने लगा, और जो आवाज चली गई थी, आवाज आ गई कि वो चीज देख के फिर हम आए थे। उसको देख कर आए।
आप तो वीडियो नहीं, आप तो पेशेंट देख के आए। हाँ। देखो इतनी अच्छी रिकवरी आज आप लोगों के सामने वीडियो बना रहे। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि एक सच बता सकूं लोगों को। मेरे पास तो प्रमाण यही है क्योंकि मैं रिपोर्ट तो करवाता ही नहीं। सही सही सर। कई लोग कहते हैं रिपोर्ट्स, मैं रिपोर्ट्स तो बिलीव नहीं करता। पेशेंट यहाँ पर लास्ट कंडीशन में पहुंच रहा है तो मैं रिपोर्ट्स क्यों देखूं? फिजिकली काउंटिंग, क्या ये रिपोर्ट नहीं है? क्या इसको रिपोर्ट नहीं मानेंगे? हमें समस्या थी तभी तो हॉस्पिटल में गए थे ना, हमारी समस्या ठीक होगी अब हम रिपोर्ट के पीछे क्यों भागे? तो फिजिकली काउंटिंग को ही ठीक करता हूं मैं, इसी वजह से फिजिकली काउंटिंग की ही वीडियो बनाता हूं। क्या अब आपको लगता है कि आपका पेशेंट जो लास्ट में जब रिमूव करना पड़ा आपके ब्रेस्ट को क्या करना पड़ता है? अगर मान लो आप अभी यहां आ जाते? नहीं सर, क्योंकि अब जो 20 दिन के अंदर रिकवरी मिली तो ये ऑपरेशन भी नहीं होता। नहीं होता सर। अभी आपके सामने ब्रेस्ट वाली बता रही थी कि उसकी गांठ सॉफ्ट हो गई। तो कहीं ना कहीं लगता है कि अब दो बार जो आपका ऑपरेशन हुआ नहीं होना पड़ता। नहीं होता। आज यही बातें मुझे लोगों को बतानी पड़ रही है कि आज जिस विज्ञान की तरफ लोगों ने जाना बंद कर दिया था, आयुर्वेद की तरफ मानना बंद कर दिया था, आज आयुर्वेद ने ही आपको डंका बजा के दिखाया कि 20 डेज की रिकवरी। अब मानना पड़ेगा कि इतनी वीडियो झूठ नहीं हो सकती। कोई नहीं लगता कि आप कैंसर कोई बड़ी बीमारी है सर, बिल्कुल नहीं लगता। एक सामान्य बीमारी की तरह अब तो कभी कोई सुनेंगे भी आप किसी को तो आपको भी लगेगा कि भाई डरो मत, भाई डरो मत, कोई ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं है। आपने तो 6 लाख रुपया लगाए और किसी के पास 6 लाख ना हो तो बंदा वैसे ही मर जाए। एक मजदूरी करने वाला, रोज का कमाने वाला बंदा, और सही पूछो तो आज इतनी खर्चे हैं लोगों का कि सब मजदूरी वाली बात। तो आज मेडिकल के नाम से तो सबके पास सिर्फ लगा लो कि इंश्योरेंस बचाओगा तो बचाओगा, तो इंश्योरेंस भी जल्दी निकाल लेते हैं। वीडियोस के अंदर यही सच्चाई आपको बता रहा हूँ कि ठीक होने के पीछे आपका जो पूरा दिनचर्या बताया मैंने, खाना पीना, पूरे परिवार को, मैंने तो पेशेंट की गारंटी भी नहीं ली कि मैं ठीक कर दूंगा, 20 दिन में ठीक कर दूंगा, जी मैं चमत्कार करता हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं था। नहीं सर, 1% भी गारंटी नहीं। साइन करवाता हूँ आपसे मैं। हाँ, मैं तो लास्ट कंडीशन का पेशेंट लेना चाहता हूँ जिसकी आखिरी स्टेज हो, कि शमशान घाट नजदीक हो। अब पेशेंट नहीं भी बचता तो आगे ना हो, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो सही पूछो तो पेशेंट का ठीक होने का कारण उनका दिनचर्या ही था, कब उठना, कब सोना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, बर्तन कौन सा हो, और उसके बाद जो बचा तो वो ताजा गौमूत्र। मैंने किसी को अपनी तरफ नहीं खींचा जी, मैंने ही बोला कि आप घर में भी स्वस्थ हो सकते हो। ऑर्गन को जो डैमेज हुआ था उसके लिए मैंने मेडिसिन दी थी, बाकी ठीक होने के पीछे आपका घर का ही विज्ञान। यही बातें रही, मैंने तो यहाँ से आपको कुछ भी तेल, शैम्पू, साबुन, मंजन तो नहीं दिया। जो पुराना था वो सिस्टम आप लोगों को बताया, अपने पास वो सिस्टम नहीं है जी। कितने पैसे लिए आपसे दवाई के, 1 महीने की दवाई आप लेके गए थे? 14,500। आप जांच कराने जाते हो, आपने देखा पेट सिटी आपने करवाई भी होगी, जांच आपने कितने की करवा ली होगी सर? तो जांच हो गई थी सिर्फ 50-60 हज़ार जांच की। तो आज जो आपने 14,500 बताया, इसके बाद आपका रिकवरी अभी मुझे बता 40%। हाँ। नहीं लग रहा कि ये जांच ही होगी? तो जांच ही सर, जांच ही होगी। जांच के साथ तो आपका प्रैक्टिकली उदाहरण आ गया। तो अब कैंसर से डरने की जरूरत नहीं सर, नहीं है, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं कैंसर से। अगर किसी ने किसी तरह से कोई जांच नहीं कराई है तो मैं कहता हूँ उसको मेरी दवाई लेने की जरूरत नहीं। सही है सर, गलत तो नहीं है? बिल्कुल सही है सर, ये जो जांच होती है ना, ये आदमी को मतलब यहाँ से अपने आप पता देते बीमारी। जांच नहीं कराई कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से आप अपने घर में जो सिस्टम बता रहा है इसी से ठीक हो सकते हैं। इसी से सर। ठीक है सर, आज आपसे बात करके बड़ी खुशी। थैंक यू सर।